कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर पहुंचे गोरखपुर, कहा योगी से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से है लड़ाई। ट्रेनिंग ले रहे पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारी को जिलाधिकारी ने दिए टिप्स, कहा शुचिता पूर्वक संपन्न कराएं मतदान। स्टैटिक सर्विलांस टीम ने विजय चौराहे पर वाहन से पकड़ा 3 लाख रुपए से ज्यादा नकदी, वाहन स्वामी नहीं दिखा पाए कोई प्रमाण। गोरखपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। प्राइवेट नर्सिंग होम में नाजुक हालत में आई बच्ची के रेफर किए जाने के बाद हुई मौत पर मचा हंगामा, डॉक्टर ने कहा नहीं हुई थी नर्सिंग होम में मौत। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित हुई होली मिलन समारोह, अधिवक्ताओं ने चंदन और फूलों से खेली होली। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने सभी एसडीएम को संवेदनशील बूथों की सूची तैयार करने का दिया निर्देश। 2 मार्च को गोरखपुर में 1 बजे तक रंग खेलने की तय हुई मियाद। मतदाताओं की सुविधा के लिए 5 मार्च से बटेगा मतदाता पर्ची, जिलाधिकारी ने सभी बीएलओ को दिए निर्देश। मंडलायुक्त अनिल कुमार और जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने महानगरवासियों को होली की दी शुभकामनाएं। अभी से ही चढ़ा लोगों पर होली का रंग, सरकारी कर्मचारियों ने भी जमकर खेली होली, कहा इस बार जिम्मेदारी के साथ मनाएंगे त्योहार। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने सदर लोकसभा उपचुनाव मतदान के 48 घंटे पहले नशीली पदार्थों के दुकानों को बंद करने का सुनाया फरमान। शुरू होने लगी है होली के हुड़दंग की तैयारी। मजदूर यूनियन ने भी उड़ाई गुलाल, खेली अबीर की होली। दिव्यांग बच्चों ने भी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मनाई होली उत्सव की मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति। और आतिफ क्रिकेट एकेडमी की 4 विकेटों से रोमांचक जीत।